Hello and good evening to all of you. First of all, my heartiest congratulations to Vishal. He has been a bright student, a very hard worker, and a very sincere pursuer of his dreams and his goals. Whatever he has achieved today is not only a part of a result of his own hard work, but his attitude, his approach to work, his relationship with people, and of course his relationship with his work. So again, I gave him my best wishes for his great success. मुझे यहाँ पे सब लोगों ने अपना गुरु बता दिया तो मुझे अचानक से ये लगने लगा कि शायद मैं बहुत एंशिएंट हो गया हूँ जबकि मुझे अपने में ऐसा नहीं लगता कभी. आई वॉज टेलिंग संजय जौहरी जी दैट क्या मैं इतना पुराना लगने लगा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो आप वैसे ही लग रहे हैं जैसे कुछ साल पहले लगते थे. तो ये शायद मुझे खुश करने के लिए ही कहा होगा संजय. बट वेल यस, ये बिल्कुल मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि इसी शहर में रहते हुए मैंने मीडिया इंडस्ट्री में इतने साल बिता लिए और मैं लकी हूँ कि मैंने इतने सारे बदलाव, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे नए ट्रेंड्स अपने सामने इमर्ज होते हुए और सक्सेसफुल होते हुए देखे. और अब जब हम मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब की कन्वर्जेंस के एक नए युग में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, तो एक बिल्कुल नए तरीके का ट्रेंड दिख रहा है जो मेरे लिए तो नया है ही, मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए भी नया है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काम शुरू किया होगा. आई एम श्योर कि जो आज के जेन एक्स है उनको भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी. अ लिटिल थ्रो बैक ऑन द पीआर इंडस्ट्री. इन द डिकेड ऑफ द 70s एंड 80s देयर वाज नो ऑर्गेनाइज पीआर सेक्टर इन इंडिया. लार्जली स्पीकिंग हर बड़ी कंपनी में एक पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होता था और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते थे जिनके पास मीडिया के लोग जाते थे या पब्लिक के लोग जाते थे अपनी शिकायतें लेके या उनसे फेवर सीख करना. मुझे आई एम श्योर कि हमारे साथी ये याद करेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री में और बाकी शहर में सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर पीआर होता था रेलवेज का पीआर हो, जब हम लोग उनके पास जाके और स्पेशल रिजर्वेशन के कोटा की डिमांड किया करते थे, या कुछ ऐसी कंपनीज की पीआरओ जिनसे पब्लिक सर्विस लेने की शिकायतें हों तो हम उनके पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते थे. तो ये पीआर इंडस्ट्री की शुरुआत ऐसे हुई है जब कंपनीज के पीआर ऑफिसर्स उस कंपनी और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे. एंड मोस्टली सच पीआरओज वेयर डेडिकेटेड टू देयर ओन कंपनीज बीइंग ऑफिसर्स ऑफ देयर ओन मैनेजमेंट. ये 80s के डिकेड के बाद पीआर एजेंसीज का एडवेंट हुआ जब ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू कर रहे थे जो किसी एक कंपनी के लिए पीआर हैंडल नहीं करते थे बल्कि अपने रिलेशनशिप की वजह से कई कंपनीज का पीआर हैंडल कर सकते थे. और वह ज़माना था जब न्यूज़पेपर वाज द ओनली मीडिया अवेलेबल फॉर यू नो डूइंग ऑल एंड एवरी काइंड ऑफ पीआर एक्टिविटी. Then came television and today we have all kinds of media including digital media and TV and convergence and films. So ab jo PR ki definition hai wo puri tarah se badal chuki hai aur I am sure people like Vishal will agree that aisa nahi hai ki PR industry ke itna grow karne ke baad organizations ke PROs ka role khatam ho gaya hai balki दे हैव अ बिगर रोल टू प्ले बिकॉज उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है. आज जब हम पीआर इंडस्ट्री पे एक लुक बैक करते हैं कि पिछले 20-30 सालों में क्या चेंजेस आए, तो मैं देखता हूँ कि आज
जो ऑर्गेनाइजेशंस के पीआर डिपार्टमेंट हैं या पीआर एजेंसीज हैं, उनका रोल केवल ये नहीं है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका मीडिया प्रेजेंस बनाए, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लगातार कुछ ना कुछ करते रहें, और इसके लिए उनके पास और उनके सामने वो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर एंड इस तरह के तमाम सारे, प्लस डिजिटल मीडिया जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मीडिया पे पीआर का जिस तरह से काम हो रहा है, हम पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं पीआर एजेंसीज द्वारा और पीआर कंपनीज द्वारा भी, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का, अपने क्लाइंट का या अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के बारे में क्लैरिफिकेशन, न्यूज़, कमेंट या रिएक्शन देने का, या किसी भी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में नई बात करने का, टीज़र कैंपेन चलाने का, और इसके साथ ही एक नया एरिया जो कि हमारे मीडिया फ्रेंड्स अच्छी तरह से परिचित हैं, वो ये कि आज जब फेक न्यूज़ और कुछ मिसचिफ का भी आधार सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है, तब यही पीआर एजेंसीज और यही मीडिया पर्सन्स उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो फेक मीडिया का एक बहुत बड़ा मेनेस आ गया है सामने, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, जिससे मीडिया के पास कम से कम वो गलत खबरें ना पहुँचें जो कि सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पीआर एजेंसीज के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करना तो एक चीज़ है ही, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू जो मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और इस तरह के तमाम सारे जो कि आप कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं, उसको कंट्रोल करने में भी आई एम श्योर जो पीआर एजेंसीज और पीआर प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने एक नया चैलेंज है, क्योंकि अब 24 घंटे के बाद अखबार छपेगा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई, हर मिनट पे और हर मोमेंट पे चीज़ों को बदल के और चीज़ों को करेक्ट डायरेक्शन में ले जाके और एक सही तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आज आपने जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहिए थी कि पीआर की दुनिया में सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के लिए क्या नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि चूंकि सोशल मीडिया इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, हम में से सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो सोशल मीडिया पे आज अभी इसी मोमेंट पे इसी प्रोग्राम के बारे में कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ बैठे लोगों के अलावा जितने लोग बाहर तीन लोगों से जुड़े हैं उन सबके सामने इस प्रोग्राम की या तो तारीफ हो सकती है या इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड आई एम श्योर द पी आर प्रोफेशनल्स गैदर्ड हियर और वो सभी पीआर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लोग इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह से अवगत होंगे, जैसा श्री ने भी बताया अभी कि कैसे इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का इसका हथियार सोशल मीडिया को बनाया जाता है। सो आई थिंक द यंग पीपल हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री, द स्टूडेंट्स एज हैंडल्ड बाय संजय जौहरी and the young media persons controlled by editors like Sudhir, unke sabke samne PR agencies ko ek naye perspective mein dekhne ki zarurat hai ki wo keval ek kisi company ka pratinidhitva nahi karte balki us pure sector ka pratinidhitva karte hain, chahe wo health ho, chahe wo telecom ho, chahe wo kuch ho, and I think my friend Srini also will agree ki when we talk about PR for Airtel, it is not a company alone, whatever happens on his PR front reflects on the telecom industry also. So ye power hai PR ki jo ki online
और डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो चुकी है। तो एज थिंग्स ग्रो अप इन द फ्यूचर, शायद हमें भी नहीं मालूम कि अगले 5 सालों में मीडिया टेक्नोलॉजी क्या टर्न लेगी और हम में से कितने लोगों ने जो आज चीज़ें सीखी हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी। नए तरीके के गैजेट्स, नए तरीके के प्लेटफॉर्म्स, नए तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नए तरीके के इंटरफेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को अपडेट रखने की ज़रूरत है। एंड द बिगर चैलेंज इज फॉर पीआर प्रोफेशनल्स लाइक विशाल एंड मैनी अदर्स दैट दे नॉट ओनली कीप इन टच विद न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो कीप taking note of what is happening in the media industry also. PR की फील्ड में तो जो हो रहा है वो एक अलग तरीके का एडवांसमेंट है, नए तरीके के प्रोडक्ट, नए तरीके जिनसे कि प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन जो मीडिया का अप्रोच और एटीट्यूड है टूवर्ड्स न्यूज़, टूवर्ड्स रीडर्स एंड व्यूअर्स एंड लिसनर्स एंड टूवर्ड्स द कॉरपोरेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट एज वेल, उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, ये मेरे ख्याल से बिगर चैलेंज है फॉर द पीआर इंडस्ट्री। एंड ऐड टू इट द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस एंड क्लाउड ऑफ सोशल मीडिया। सो आई एम श्योर पीपल लाइक संजय जौहरी एंड पीपल लाइक विशाल विल कीप ट्रेनिंग द यंग पर्सन, जो ट्रेनीज और जो स्टूडेंट्स आपके सामने आते हैं उनको नए चैलेंजेस के लिए तैयार करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी सिचुएशंस इमर्ज कर सकती हैं जिनके बारे में आज हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टू विशाल, अनदर 10, 20, 30 इयर्स टू योर सक्सेस, ऑल द बेस्ट।